नमस्कार है आप सभी का चैनल पर। तो आज एक फिर से नई कहानी के साथ मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। तो कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संसार में मनुष्य बहुत तरह तरह के पाप करते हैं, परंतु वो पाप कहाँ से आता है, उस पाप का आखिर में का क्या कारण होता है, यही इस कहानी में बताया गया है। तो कहानी का नाम है पाप का गुरु कौन है। अब कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक पंडित जी होते हैं। पंडित जी काशी से पढ़कर आते हैं। पंडित जी बहुत बड़े विद्वान होते हैं। उन्हें अपनी विद्वता पर बहुत सारा घमंड था। वह अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते थे और अपने आसपास के लोगों के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनना उन्हें बहुत ही भाता था। इस प्रकार से अपने ज्ञान के घमंड में पंडित जी बहुत ही चूर हो चले थे। अब पंडित जी के गांव के पास ही थोड़ा सा बाहर निकलने पर एक वैश्य का घर भी था। वहां पर वैश्य रहती थी। तो पंडित जी कभी जब गांव से बाहर की तरफ जाते, वह वैश्य पंडित जी को देखकर उन्हें नमस्कार करती। परंतु यह क्या, वह तो एक वेश्या थी, तो पंडित जी उसे नमस्कार करना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। वह उस वेश्या के कभी नमस्कार का उत्तर नहीं देते और दूसरी तरफ मुंह मोड़कर वहां से चले जाते। उस वेश्या को नमस्कार करना वह अपने धर्म के खिलाफ समझते थे। अब एक दिन की बात है, पंडित जी अपने घर पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वह उसे खाना परोस दे। पत्नी ने उन्हें खाना परोस दिया। अब खाते खाते पंडिताइन को मन में आता है कि वह पति से एक प्रश्न पूछे, तो वह अपने पति से यानी पंडित जी से एक प्रश्न पूछ लेती है। वह कहती है, आपको तो हर चीज़ का ज्ञान है, आप तो बहुत बड़ी विद्वान हैं, आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि पाप का गुरु कौन है। अब यह सुनते ही पंडित जी तो वहीं के वहीं सोच में पड़ जाते हैं। वह सोचने लगते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न तो कभी मेरे जीवन में आया ही नहीं, अब मैं अपनी पत्नी को इसका क्या उत्तर दूं, क्योंकि उन्हें स्वयं भी इस प्रश्न का उत्तर मालूम न था कि मनुष्य जो पाप करते हैं उसका गुरु कौन होता है, इसका मतलब उसकी असली वजह क्या होती है। अब उन्होंने कई प्रकार के गुरुओं के बारे में सुन रखा था, परंतु पाप का गुरु यह तो पहली बार उन्होंने सुना था। अब उनके पास इस प्रश्न का उत्तर न था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वह समय आने पर इसका उत्तर उसे देंगे। अब पंडित जी ने इसका उत्तर खोजने की बहुत ही कोशिशें की, परंतु उन्हें इस प्रश्न का उत्तर ना मिल सका। उन्होंने फिर आसपास के इलाके में जितने भी बड़े पंडित थे उनके पास जाकर भी इस प्रश्न का उत्तर पूछा, परंतु उन्हें उस प्रश्न का उत्तर पता नहीं चला। काफ़ी आसपास की जगह पर पूछे, तभी भी उन्होंने उसका उत्तर नहीं पाया। अब पंडित जी परेशान हो गए कि उनकी पत्नी ने उनके सामने एक प्रश्न पूछा है और उसका उत्तर वो ना दे पाए, तो दूसरों के सामने और पत्नी के सामने उनकी तो जगहंसाई हो जाएगी। अब वह तो पंडित जी दिन रात इसी प्रश्न का उत्तर खोजने में लगे रहते थे। एक दिन की बात है, पंडित जी गांव के बाहर से जा रहे थे तो रास्ते में वही वेश्या का घर पड़ा। वहां पर वेश्या भी खड़ी थी। वहां पर 3-4 लोग और भी खड़े थे जिन्होंने देखकर पंडित जी को नमस्कार किया। बातों बातों में पंडित जी ने उनसे वही प्रश्न पूछ लिया कि मुझे प्रश्न का उत्तर जानना है कि पाप का गुरु कौन है। उन लोगों ने भी अपने अपने मतों के अनुसार इसका उत्तर दिया, परंतु किसी का भी उत्तर पंडित जी को संतोषजनक नहीं लगा। वही वेश्या भी खड़ी यह सब सुन रही थी। जब वे सब लोग वहां से चले गए तो वेश्या ने पंडित जी को आवाज़ दी। उसने कहा कि पंडित जी, आज मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दे सकती हूँ। पंडित जी ने चौंक कर उस वेश्या की तरफ देखा। उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो तुम मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताओ। तब वेश्या ने कहा, नहीं नहीं पंडित जी, ऐसे नहीं, उसके लिए आपको कुछ दिन के लिए मेरे घर पर आकर रहना पड़ेगा। यह सुनकर तो पंडित जी चकरा जाते हैं। वह कहाँ एक वेश्या की तरफ देखते भी ना थे, उसके घर पर जाके रहना यह तो उनका धर्म भ्रष्ट करने के समान था। वह कहते हैं कि यह तुम क्या कह रही हो, मैं और तुम्हारे घर में आकर रहूँगा, यह तो मैं कदापि नहीं कर सकता। तब वह वेश्या कहती है, देख लीजिए पंडित जी, अगर आपको इस अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए तो कुछ दिन तो मेरे घर आपको रुकना ही पड़ेगा।
अब पंडित जी सोचते हैं कि उन्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल रहा है तो उसे वेश्या की बात मान लेनी चाहिए। तब उन्होंने वेश्या से कहा कि ठीक है, परंतु मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूँगा। तुम्हारे घर के पास जो भी घर होगा किराए पर लेकर मैं उसमें रहने लगूंगा। पंडित जी की किराए पर लेकर घर रहने की बात वेश्या को जच गई। वह कहती है, ठीक है, अगर आप मेरे घर में ना रह रहे हैं तो सही है, आप मेरे पड़ोस वाले घर में आकर रहने लग जाएं। अब पंडित जी बिना किसी को बताए कुछ दिन के लिए वेश्या के पड़ोस में रहने के लिए चले जाते हैं। अब चूँकि पंडित जी अकेले होते हैं तो उन्हें अपने घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता था, यहाँ तक कि खाना भी उन्हें स्वयं ही अपने हाथों से पकाकर खाना पड़ता था। अब पंडित जी दिन रात वेश्या के उत्तर की प्रतीक्षा ही करते रहते हैं, परंतु वेश्या कहती है वह समय आने पर उसका उत्तर देगी। अब कुछ दिन तक तो पंडित जी अपने घर का सारा काम करते हैं, खाना भी पकाते हैं, परंतु धीरे धीरे उन्हें ये खाना बनाने में बहुत ही तकलीफ होने लगती है। अब वह परेशान हो जाते हैं तो एक दिन वेश्या उनके मन की यह बात जान लेती है। वह पंडित जी से कहती है, क्यों ना पंडित जी आपके लिए मैं खाना बना कर दे जाऊँ। तब वह गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी बातों में आकर तुम्हारे पड़ोस में मैं रहने लग गया हूँ, अब क्या तुम्हारे हाथों का खाना खाकर मैं अपना धर्म पूरी तरह से भ्रष्ट कर लूँ, यह तो मैं नहीं कर सकता हूँ। अब पंडित जी के मन में तो था कि उन्हें किसी तरह पक्का पकाया खाना मिल जाए, परंतु एक वेश्या के हाथों का उसके घर का खाना उन्हें मंजूर नहीं था। तो पंडित जी गुस्से में आकर वेश्या से बात कहते हैं। तब वेश्या कहती है कि पंडित जी, आपको सुबह और शाम के खाने के साथ साथ अगर मैं 5-5 सोने की मोहरे भी दूं तो कैसा रहेगा। यह सुनकर तो पंडित जी बहुत ही खुश हो जाते हैं। वह सोचते हैं, अरे एक तो मुझे खाना बनाने के मुक्ति मिलेगी, ऊपर से मुझे बना बनाया खाना मिलेगा और ऊपर से मुझे सुबह और शाम 5-5 सोने की मोहरे भी मिलेंगे, इससे अच्छा तो क्या हो सकता है। अब वह बहुत ही खुश हो जाते हैं, परंतु तभी उन्हें ध्यान आता है कि वह एक पंडित हैं और वह एक वेश्या। अगर उनके घर में इस प्रकार से किसी ने आते जाते उसे देख लिया तो पंडित जी की तो अपमान हो जाएगा। तो वह उस वेश्या से कहते हैं, ठीक है, तुम मुझे खाना बनाकर दे देना और तुम मुझे सुबह शाम 5-5 सोने की मोहरे भी दे सकती हो, परंतु एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे आने जाने को समय कोई भी तुम्हें ना देख पाए। यानी कि जब वेश्या पंडित जी के घर आए तो आस पड़ोस में कोई भी लोग यह नहीं देख पाए कि वेश्या एक पंडित के घर में जाकर उन्हें खाना खिला रही है। तब वेश्या कहती है, ठीक है पंडित जी, जब मैं आपके घर में आऊँगी तो मैं इस प्रकार से आऊँगी कि कोई मुझे ना देख पाए और खाने के साथ मैं आपके सोने की मोहरे भी आपको दे दिया करूँगी। अब पंडित जी को तो क्या चाहिए था, उन्हें एक तो पका पकाया खाना मिल रहा था, ऊपर से सोने की मोहरे भी। अगले दिन वह नहा धोकर तैयार होकर बैठ जाते हैं। खाने से ज़्यादा उन्हें सोने की मोहरों का लालच हो रहा था। अब वह प्रतीक्षा करते हैं कि कब वह वेश्या आए और उन्हें खाने के साथ वह सोने की मोहरे भी दे। अब कुछ समय बीतता है, वह वेश्या पहले दिन बहुत सारे पकवान बनाकर लाती है, तरह तरह के खाने बनाकर लाती है और छुप छुपा कर पंडित के घर में आती है। वह थाली पंडित जी के सामने रख देती है। पंडित जी सब खाना देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि जल्दी से मैं यह खाना समाप्त कर लूं ताकि मुझे सोने की मोहरों के दर्शन हों। तो वह जैसे ही खाना खाने के लिए थाली की ओर हाथ बढ़ाते हैं तो यह देखकर वेश्या झट से वह थाली खींचकर अपने पास रख लेती है। पंडित जी यह देखकर गुस्सा हो जाते हैं कि यह क्या कर रही हो, तुमने खाने की थाली छीन कर अपने पास क्यों रख ली। तब पंडित जी से वह वेश्या कहती है कि पंडित जी, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। तब पंडित जी सोच में पड़ जाते हैं कि तुमने मुझे प्रश्न का उत्तर कब दिया है। तो वेश्या कहती है, आपने यह प्रश्न उठाया था कि पाप का गुरु कौन होता है, मनुष्य पाप किस वजह से करता है। तो वह वेश्या कहती है कि पाप का गुरु होता है लोभ। अब देखिए पंडित जी, जब तक आपको मुझसे कोई लोभ नहीं था, कोई लालच नहीं था, तब आप मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे, परंतु जब आपको यह हुआ कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मुझसे मिलेगा तो एक प्रकार से यह लोभ लालच ही हुआ कि आप मेरे घर के पास आकर रहने लगे। ऊपर से जब मैंने आपको खाने के लिए कहा
तब आपने मना कर दिया। और जब मैंने आपको खाने के साथ सोने की मोहरे देने का प्रस्ताव रखा तो आपने झट से मोहरों की लालच में वह खाना खाना स्वीकार कर लिया जो कि एक वेश्या बनाएगी। अब आप समझ ही गए होंगे कि आपने जो भी पाप किए हैं, आपने एक वेश्या के हाथों का खाना खाना स्वीकार कर लिया। यह आपका लोभ ही है जिसके कारण आप एक पाप करने जा रहे थे, अपने धर्म को भ्रष्ट करने का पाप। मैं धर्म को ज़्यादा तो नहीं समझती, परंतु यह मानती हूँ कि मेरे हाथों का खाना खाने से आपका धर्म भ्रष्ट ना हो जाए, इसलिए मैं आपको ये खाना खाने नहीं दे सकती हूँ। मुझे सिर्फ आपके प्रश्न का उत्तर देना था। अब पंडित जी को समझ में आ गया था कि पाप का गुरु कौन होता है। पाप का गुरु होता है लोभ या लालच, जिसके कारण ही मनुष्य सभी पापों को करता है। अब पंडित जी को समझ में आ गया था कि लोभ ही पाप का गुरु होता है। तब वह वेश्या से कहते हैं कि तुमने आज मुझे एक बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया है और साथ ही तुमने मुझे एक पाप करने से भी बचा लिया है। तो वह उस वेश्या से वहां से विदा लेकर चले जाते हैं। अब पंडित जी को अपने प्रश्न का उत्तर मालूम हो चला था। अब आपको ये कहानी कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान आप पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें। आप सभी प्रकार के लोभ लालच से बचे रहें। इसी कामना के साथ मैं कहानी को संपन्न करती हूँ। धन्यवाद।